हेलो एस्पायरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग नरसंहार एक हमारे इतिहास की बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। हमारे हिस्ट्री के पेपर में इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आने चाहिए और क्या इसका बैकग्राउंड था, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग जो ये ट्रेजेडी है, ये है क्या, तो इसको एक कहानी के फॉर्म में हम समझेंगे अभी। सबसे पहली बात, आपको पता है कि अमृतसर में, जो कि हमारे भारत देश के पंजाब का एक हिस्सा है, यहाँ पर एक गार्डन था, एक बाग था, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ये जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को जाने कितने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और इसी वजह से हमारे इतिहास में के काले पन्नों में यह घटना दर्ज हो गई। अब ये जलियांवाला बाग दुर्घटना थी क्या, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, और फिर इस दुर्घटना के लिए जो दोषी व्यक्ति था उसे आगे चल करके क्या सजा मिलती है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। यहाँ पे ये नरसंहार था, मैसेकर था। नरसंहार शब्द का मतलब है एक बड़े समूह को मार देना, ओके? और इस पूरे नरसंहार का जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है उसका नाम है जनरल ड्रायर। शुरुआत होती है वैशाखी के दिन से, 13 अप्रैल 1919 को। ये वैशाखी का दिन था। वैशाखी का दिन मतलब एक नए साल की शुरुआत होनी थी, और हमारे भारत देश में परंपरा रही है सदियों से कि हम किसी भी त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब में अमृतसर जैसी जगह पे इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और वैशाखी का दिन होता है, और इसी दिन ये पूरी जन समूह जो होती है ये जलियांवाले बाग में भी इकट्ठा होती है। क्यों होती है? कारण ये था, जैसा कि आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये 1919 में ब्रिटिशर्स द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया पे इम्पोज किया था। इस रॉलेट एक्ट का एम ये था कि किसी भी इंडियन पर 2 साल तक के लिए बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी जमानत के, इस तरह उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ओके? इसीलिए इसे ब्लैक लॉ या ब्लैक कानून भी, काला कानून भी कहा गया। किसे? रॉलेट एक्ट को। हमारे देश के जो मैक्सिमम लोग थे इस कानून को पसंद नहीं कर रहे थे, जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन कुछ संयोग ऐसा बनता है कि 13 अप्रैल 1919 को जब वैशाखी का दिन होता है, इससे कुछ दिन पहले ही 2 महत्वपूर्ण नेता हैं, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 बड़े लीडर्स होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनके गिरफ्तारी से ही पूरा जन आक्रोश फैल जाता है। यानी कि जो वहाँ का एक मास अमाउंट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो इनके गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के लिए क्या होते हैं, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग, हमने बात की कि ये अमृतसर में एक बाग रहता है, और इस बाग का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये चारों तरफ से पैक रहता है, ओके? चारों तरफ से पैक रहता है, और यहाँ पे कुछ ही एक मेन यहाँ से गेट होता है एग्जिट होने के लिए और एंटर होने के लिए। प्लस यहाँ पे चारों तरफ जो वॉल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, यानी कि लगभग 10 फिट तक। यहाँ पे एक अच्छा खासा पूरा का पूरा पॉपुलेशन, पूरा का पूरा मास, पूरी की पूरा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। जब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं
तो इसी समय पे क्या रहता है, यहाँ पर एक जनरल डायर वहाँ का मेन ऑफिसर होते हैं, और जनरल डायर को जब यह बात पता चलती है कि कुछ कंस्पायरेसी चल रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है, तो यहाँ पे जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुँच जाता है। लोग वहाँ पे शांति से पीसफुली खड़े हुए थे, आपस में वहाँ एक पूरा का पूरा समूह उमड़ा हुआ था। जनरल डायर ने वहाँ पर किसी भी तरह का अल्टीमेटम नहीं दिया, किसी तरह का वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं किया, और सीधे ऑर्डर दे दिया सिपाहियों को कि आप इनके ऊपर गोलियाँ चलाओ। सिपाहियों ने गोलियाँ चलानी शुरू की। उस जलियांवाले बाग में जितने लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, भगदड़ मची। कुछ लोग वहाँ पे आज भी आप पिक्चर्स पुरानी देखते हैं या जलियांवाले बाग की, तो वहाँ पे वो कुएं की पिक्चर्स, उन दीवालों पे जो गोलियाँ लगी हुई हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। कई लोग उस कुएं में समा गए, एक के ऊपर एक लाशों का ढेर हो गया, कई गोलियाँ खा करके वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी। इस तरह से, क्योंकि इतनी ऊँची दीवारें थी कि उसे भी नहीं कूद सकते थे, एक छोटा सा दरवाज़ा था जहाँ से उन्हें निकलना था, तो जाने हजारों लोग, लगभग 5,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और थाउजेंड्स ऑफ देम वर किल्ड। ओके, और ऐसे ही 1500 के लगभग लोग क्या हुए, वहाँ पे घायल हो गए। इस तरह से पूरे देश में जब ये मस्के की, ये नरसंहार की खबर फैलती है, तो न केवल कांग्रेसी लीडर्स बल्कि पूरा का पूरा इंडिया कंट्री जो होता है, इन चीज़ों की बुराई करने लगता है। इसके अगेंस्ट कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, ऐसा प्लान होने लगता है। अब यहाँ पर आगे बात आती है कि जब इतनी ज़्यादा पूरी बुराई हो रही है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से एक कमिटी बैठती है, जो आपके एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस कमिटी का नाम है हंटर कमिटी। कौन सी कमिटी? हंटर कमिटी। हंटर कमिटी क्यों बैठी थी? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के जो ये एक्सीडेंट हुआ था, ये दुर्घटना हुई थी, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसीलिए इस रिपोर्ट को कहा गया हंटर रिपोर्ट। क्या कहा गया? हंटर रिपोर्ट। इस हंटर रिपोर्ट में, इस हंटर कमिटी में कितने लोग थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। इनमें से मेन तो हंटर थे, उन्हीं के नाम पर हंटर रिपोर्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स थे, उनमें से हमें इंडियंस का नाम पता होना चाहिए, और इंडियंस कौन से थे? इनमें से इंडियंस के नाम में है आपके पंडित जगन्नाथ, उसके अलावा दूसरा नाम है सुल्तान अहमद खान और चिमनलाल। ये तीन लोग इंडियन थे इस हंटर रिपोर्ट में। आगे चल कर के क्या होता है कि ये रिपोर्ट जब बन रही होती है, और इस रिपोर्ट में से नतीजा आएगा, और ये कहा गया कि जनरल डायर जो था उसने यहाँ पर गोलियां चलाने का इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए था। बाकी इस रिपोर्ट के आने से पहले ही जनरल डायर को ब्रिटिशर्स सस्पेंड कर देते हैं, और जनरल डायर इंडिया से ब्रिटेन चला जाता है। अब ब्रिटेन में भी एक कमिटी फॉर्म होती है कि जनरल डायर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। वहाँ कमिटी बन रही है, और हंटर रिपोर्ट से इंडियन सेटिस्फाइड नहीं है, तो आगे क्या होता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक कमिटी फॉर्म करती है, और कांग्रेस की रिपोर्ट जो होती है, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जनरल डायर पूरी तरह से दोषी था, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। जो ये कांग्रेस रिपोर्ट बन रही थी, इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। ओके, बड़े लीडर थे, कांग्रेस से थे, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस रिपोर्ट में यहाँ पे क्या होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और ये रिपोर्ट आ जाती है। अब आगे क्या हुआ ब्रिटेन में? ब्रिटेन में क्या होता है कि जब ब्रिटेन में जनरल डायर पे केस चल रहा था, तो यहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट एकदम से चौंकाने वाली थी। यानी कि जनरल डायर को वहाँ पे दोषी नहीं माना गया, उसे अप्रिशिएट किया गया, और अप्रिशिएशन इस तरह का हुआ कि उसे एक ऑनर दिया जाता है, जिसे कहते हैं सॉर्ड ऑनर। इसका नाम याद रखिएगा। इस खिताब से, सॉर्ड ऑनर से उसे क्या किया गया, उसे विभूषित किया गया।
साथ में कुछ अमाउंट भी उसे दिया गया, अप्रिशिएट किया गया। और ऐसा कहा गया कि उस समय पे ऐसा डिसीजन लेना, यानी कि लोगों पे गोलियां चलाना, उस पूरे सर्कमटेंसेस को देखते हुए जरूरी था। अब इसके बाद क्या होता है, सॉर्ट ऑफ होने से मिल जाते हैं, इंडिया में क्या हो रहा होता है, इंडिया में इसके ओपोजिशन में जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अब उन्हें जो उपाधियाँ मिली हुई होती हैं, जो टाइटल्स दिए जाते हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रिटर्न होने लगते हैं। यानी कि एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे ये भी बनता है कि ठाकुर रविंद्रनाथ ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी अपनी उपाधि लौटा दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उपाधि लौटाई थी उसका नाम था नाइटहुड। क्या नाम था? नाइटहुड। अभी कुछ समय पहले ये करंट में चर्चा का विषय भी था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। 100 ईयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी अदर एग्जामिनेशंस पूछेंगे। दूसरा जो थे एक महत्वपूर्ण नेता हमारे देश के, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने कौन सा टाइटल रिटर्न किया था? इन्होंने केसरी हिंद, कौन सा? केसरी हिंद, केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो ऐसे टाइटल्स इस समय पे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के ओपोजिशन में रिटर्न किए गए। अब आगे क्या होते हैं, क्या जनरल डायर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उसे छोड़ दिया? फिर अब इसके बाद एट द लास्ट हम देखते हैं कि जनरल डायर जो था, इस समय 1940 का टाइम चल रहा होता है, यानी कि 1919 से लगभग 20 साल बाद ये लंदन में रहते हैं। और लंदन में एक हॉल है जिसका नाम है कैक्सटन हॉल। कौन सा हॉल? कैक्सटन हॉल। यहाँ से जनरल डायर निकल रहा होता है, एग्जिट हो रहा होता है, और यहाँ पे एक इंडियन जिनका नाम है उद्धम सिंह, इन्होंने जनरल डायर को मार दिया, किल कर दिया। इस तरह से जनरल डायर की कहानी ख़त्म हो गई। ओके, तो कंक्लूजन करते हैं हम जलियांवाले बाग मसक्र की, जलियांवाले बाग हत्याकांड की। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पर्पस से कि इसे एक दूसरा नाम दिया जाता है, और दूसरा नाम क्या है? अमृतसर ट्रेजिडी। ओके, तो इसी को कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब के अमृतसर में ये दुर्घटना घटती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कौन ब्रिटिशर्स है जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये है जनरल डायर। तीसरी चीज याद रखनी है कि ये जलियांवाला बाग जो था, यहाँ पर कौन सी कमिटी जनरल डायर के अगेंस्ट फॉर्म होती है बाय द ब्रिटिशर्स? तो उसका नाम है हंटर कमिटी, और हंटर रिपोर्ट देती है, यानी हंटर रिपोर्ट जो है वो जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो जनरल डायर था इसकी हत्या किसने की थी? तो ये याद रखना है उद्धम सिंह। इसके अलावा पूरी कहानी मैंने यहाँ पर अभी डिस्क्राइब की, इसमें से आप नोट्स बनाइए, डेट जरूर याद रखिएगा, शुरुआत में ही बात की थी, ये दुर्घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, 13th अप्रैल 1919 को। ओके, तो ये था हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार। थैंक यू सो मच।